Hey guys, this is Surasoni and you are watching Chemstar. So friends, once again, welcome back on Chemstar. So friends, after a long time, I am back. So in this session, I am going to explain you how we can calculate the amount of heat produced if we are burning a particular amount of any fuel. Like we can say here as ethanol. So in this session we will see if we are burning a particular amount of heat, so how much amount of heat will get produced. So basically hum is session mein dekhne wale hain ki agar hum kisi fuel ko burn karte hain, like agar hum ethanol ko burn karte hain, to ek particular quantity hame kitna heat प्रोड्यूस होती है अगर हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को बर्न करते हैं. तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं. ये जो क्वेश्चन मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो जेईई मेन एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है. तो आखिरी तक देखिए इस वीडियो को और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है. तो आप ये वीडियो आखिरी तक देखिए और इस कंसेप्ट को अच्छे तरह से समझ लीजिए जिससे आपका जो बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं. सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग 60 ग्राम्स ऑफ C2H6 इफ द हीट ऑफ कम्सन इज 1560, दैट मीन्स 1560 किलो जूल पर मोल ऑफ C2H6. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट जो होगा हीट का प्रोड्यूस्ड होगा अगर हम 60 ग्राम इथेनॉल को बर्न करते हैं तो. और साथ में आपको ये भी बताया गया है कि अगर 1 मोल ऑफ इथेनॉल बर्न करते हो तो उससे आप जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 1560 किलो जूल होगा. तो अगर हम 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल बर्न करते हैं तो हमें कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा ये क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है. और इसके साथ हमें दिया हुआ है 3 ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है. सो ऑप्शन ए इज 3120 किलो जूल, ऑप्शन बी इज 3020 किलो जूल एंड ऑप्शन सी इज 3540 किलो जूल. सो लेट्स स्टार्ट एंड सी हाउ वी कैन गेट दी राइट एंड परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि हम सबसे पहले देखेंगे हमारा जो फ्यूल है, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा इथेनॉल है उसको हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर लेंगे. तो मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा उसके लिए, हमें उसका एटॉमिक वेट मालूम होना चाहिए. इथेनॉल में कार्बन का और हाइड्रोजन का हमें एटॉमिक वेट मालूम होना चाहिए. अगर हमें एटॉमिक वेट मालूम है तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली एटॉमिक वेट का डबल कर लेंगे, दैट विल बी दी मॉलिक्यूलर मास और वी कैन से मॉलिक्यूलर वेट. तो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया सबसे पहले, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H6, दैट मीन्स इथेनॉल. तो अभी यहाँ पे इथेनॉल में 2 कार्बन आइटम्स है, देयरफॉर 12 प्लस 12 फॉर ईच कार्बन आइटम, 12 फॉर फर्स्ट कार्बन आइटम एंड 12 फॉर दिस सेकेंड कार्बन आइटम. एंड हियर वी हैव 6 हाइड्रोजन आइटम्स, सो वी नीड टू एड 6 ऑल्सो बिकॉज हाइड्रोजन हैज एटॉमिक एंड वेट मास सेम विच इज 1. सो हियर फॉर 6 हाइड्रोजन वी हैव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर 6, एंड फॉर 2 कार्बन आइटम्स वी हैव, एज वी नो कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6, सो इट्स मॉलिकुलर वेट इज 12. सो फॉर 2 कार्बन वी हैव मॉलिकुलर वेट 12 प्लस 12, एंड इफ वी टोटल दिस वी विल गेट द 30 ग्राम्स, दैट मीन्स C2H6 मॉलिकुलर वेट ऑफ C2H6 विल बी 30 ग्राम्स. ओके, सो एज वी नो 1 मोल ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड. सो इफ यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द वेट ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड इन टू द मोल, सो दैट टाइम, एट दैट टाइम यू शुड रिमेंबर कि 1 मोल ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड ऑलवेज इक्विवेलेंट टू देयर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड. ऑल राइट, तो अभी हमारा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो इथेनॉल है, तो इथेनॉल का जो एटॉमिक जो
एटॉमिक टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, वो 1 मोल के इक्विवेलेंट होगा। दैट मींस यहाँ पे 30 ग्राम जो है वो कितना मोल हो जाएगा, 30 ग्राम मींस 1 मोल। ओके, सो सिंस वी हैव गिवन 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल, राइट, इन क्वेश्चंस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 60 ग्राम को इथेनॉल को अगर हम हीट करते हैं या फिर बर्न करते हैं तो कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा। 60 ग्राम हम इथेनॉल को बर्न करते हैं तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने देखा कि मॉलिकुलर वेट, किसी भी केमिकल कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट जो होगा वो कितना होता है, वो 1 मोल के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि सिंस वी हैव गिवन 60 ग्राम्स ऑफ C2H6, राइट, हमें यहाँ पे 60 ग्राम इथेनॉल दिया हुआ है और हमें मालूम है कि मॉलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल क्या होता है, 30 होता है, राइट। तो 30 ग्राम विल बी इक्विवेलेंट टू 1 मोल, राइट, एंड 60 ग्राम विल बी इक्विवेलेंट टू 2 मोल, राइट। सो लेट्स सी व्हाट आई हैव रिटन हियर, सिंस वी हैव गिवन 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल, राइट, देयर फॉर इट विल बी इक्विवेलेंट टू 2 मोल ऑफ इथेनॉल, करेक्ट। एज आई सैड नाउ हियर मॉलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल इज 30 ग्राम एंड दिस 30 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल, राइट। सो हियर वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल, दैट मीन्स दैट 60 ग्राम विल इक्विवेलेंट टू 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, ऑल राइट। सो वी हैव हियर 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, सो देयर फॉर वी हैव गिवन इन क्वेश्चन दैट फॉर बर्निंग 1 मोल ऑफ C2H6 वी विल गेट 1560 किलो जूल ऑफ हीट, राइट। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए कि इफ द हीट ऑफ कम्सन इज 1560 किलो जूल पर मोल, राइट, अगर हम 1 मोल इथेनॉल को बर्न करते हैं तो हमें 1560 किलो जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पे हमें जो 60 ग्राम है उसको हमने क्या कर लिया, मॉलिकुलर मोल में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें मिला है कि ये जो 60 ग्राम है वो इक्विवेलेंट है किसके, 2 मोल के बराबर, राइट। तो 1 मोल जो होता है वो कितना हीट प्रोड्यूस करता है, 1560 किलो जूल हीट प्रोड्यूस करता है, राइट। फॉर बर्निंग 1 मोल ऑफ इथेनॉल वी विल गेट 1560 किलो जूल ऑफ हीट, देयरफॉर फॉर बर्निंग 2 मोल ऑफ इथेनॉल वी विल गेट 2 × 1560 विच इज इक्विवेलेंट टू 3120 किलो जूल ऑफ हीट विल प्रोड्यूस, ऑल राइट। सो दिस वॉज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू जस्ट शुड नो द लॉजिक ऑफ मोल, राइट। सो सिंपली यू हैव टू कन्वर्ट द ग्राम क्वांटिटी इन टू द मोल एंड देन यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई इट सो दैट यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स आई होप यू शुड अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, राइट। सो हियर वी हैव गॉट द आंसर एज 3120 किलो जूल, राइट। सो लेट्स सी इन द ऑप्शन विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 3120 किलो जूल, राइट। सो इफ यू विल सी द फर्स्ट ऑप्शन यू विल फाइंड हियर एज 3120 किलो जूल विच इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। सो वी हैव गॉट हियर द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज़ ऑप्शन ए विच इज़ 3120 किलो जूल। दैट मीन्स इफ वी बर्न 60 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल वी विल गेट द 3120 किलो जूल ऑफ हीट। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया है। जिसे केमिस्ट्री नहीं भी समझ में आती होगी उसे भी ये फंडा, अगर वो ये वीडियो देखेगा तो उसे भी ये फंडा समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें हीट कैलकुलेट करना है, राइट। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सही टाइम पे मिलेगा और आप सही टाइम पे केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज के साथ अपडेट होते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, विल यू मीट सून अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।